अमेरिकी तैराकों ने पेरिस ओलंपिक में एआर रहमान के गाने ताल से ताल मिला पर परफॉर्म किया। इनकी धमाकेदार परफॉर्मेंस ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया। यह वीडियो वायरल हो रहा है और इसे काफी पसंद किया जा रहा है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के असली नाम के बारे में जानकर हो जाएंगे हैरान। इस खबर में जाने कि उन्होंने क्यों अपना नाम बदला और अपनी बचपन की कहानी क्या है। शाहरुख खान का बॉलीवुड में अच्छा कैरियर कैसे बना। एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने मुंबई के पाली हिल वाले बंगले को बेच रही है। इस बंगले में कंगना का प्रोडक्शन हाउस भी है जिसका नाम है मणिकर्णिका फिल्म्स। बंगले का दाम 40 करोड़ रुपए है। फराह खान की मां मेनका ईरानी का निधन हो गया है। फराह ने अपनी मां की याद में एक भावुक पोस्ट शेयर की है और उनके साथ तस्वीरें भी शेयर की हैं। फराह ने अपनी मां को यूनिवर्स की आभारी बताया है और उन्हें अपना एक हिस्सा माना है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस काजोल ने अपना 50वां जन्मदिन मनाया। उनकी पहली फिल्म बेखुदी ने 32 साल पूरे कर लिए। इस फिल्म का ऑफर एक फोटो स्टूडियो में हुआ था और इसमें काजोल के साथ कमल सदाना भी नजर आए थे। इसके साथ ही इस फिल्म में सैफ अली खान को भी लीड रोल मिलने वाला था लेकिन बाद में उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया। फिल्म अदाकारा मुमताज ने राजेश खन्ना की असफलता के पीछे निर्माता और निर्देशकों को ठहराया है। उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना की असफलता के जिम्मेदार सिर्फ वह नहीं थे, वह चमचागिरी और बड़े बड़े निर्माता और निर्देशकों की गलतियों को भी देखा है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरिन ने रिलीज होने के 10 दिन बाद भारत में 139.10 करोड़ की कमाई की है। यह फिल्म गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर की रिकॉर्ड तोड़कर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है।